जय हिंद। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेकर के आए हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, खास करके जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड के हिंदी मीडियम के हैं, याद रखिएगा उनके लिए बैच है। और इसका टाइमिंग है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, हर एक ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रात 8 बजे, क्लियर है। आज हम लोग का डे 17 है, स्थिर विद्युत का 17वां दिन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, तो आज का जो टॉपिक है वो ध्यान से देखना है। क्या बोल रहा है, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, क्लियर है। और याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये VVI है। क्या है VVI? आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो हम लोग का हेडिंग है किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, या इसी को बल युग्म भी बोल सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, तो हम क्या किए इसके लिए, एक समरूप विद्युत क्षेत्र, माने ये जो है ये समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसका वैल्यू कितना है, ई वेक्टर, क्लियर है। अब इसके अंदर हम एक विद्युत द्विध्रुव रख दिए, इस विद्युत द्विध्रुव का आवेश एक माइनस क्यू एक है प्लस क्यू, और इसकी लंबाई टोटल कितना है 2L, क्लियर है। और आपको याद होगा हम सिखाए थे कि विद्युत क्षेत्र अगर इधर से इधर है, इसका मतलब ये है कि इधर कौन चार्ज है प्लस और इधर कौन चार्ज है माइनस। याद रखिए, विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो अगर यहाँ प्लस चार्ज रहेगा इसके अंदर, विद्युत क्षेत्र में कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो होगा क्या, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, क्लियर है। लेकिन यही अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये नेगेटिव को रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा। तो दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो, विद्युत क्षेत्र में अगर धनावेश रहेगा जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही बल लगेगा, ऋणावेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, क्लियर है, ये चीज़ सेट है। तो जरा यहाँ गौर से देखो, ये कौन है वो धनावेश है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इधर विद्युत क्षेत्र है तो इस पर बल भी इधर लगेगा, क्लियर है। और इस आवेश पर देखो ये ऋणावेश है तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत। मान लो इधर फोर्स लग रहा है कितना F1 वेक्टर, और इधर फोर्स लग रहा है कितना F2 वेक्टर। अब जरा देखो विद्युत द्विध्रुव का हालत क्या है, जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है, देखो इस छोर पर इधर बल लग रहा है, इस छोर पर इधर लग रहा है, ध्यान से देखना, इस छोर पर इधर, इस छोर पर इधर, तो देखो ऐसे करके लग रहा है, यानी ये घूम रहा है, क्या हो रहा है, घूम रहा है। और कोई भी चीज़ अगर घूमता है तो सोचो उस पर बल आघूर्ण लग रहा है, क्या लग रहा है, बल आघूर्ण। यानी हमको इस बल आघूर्ण का मान निकालना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। माना कि जानते ही होंगे, जो चीज़ हम लोग यहाँ बनाए डायग्राम में वही लिखे हैं। जैसे देखो, माना कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, देख रहे हो समरूप विद्युत क्षेत्र कितना ई वेक्टर, जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के दिशा के साथ कितना कोण बनाकर स्थित है, थीटा कोण बनाकर। देखो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन चलो मान लीजिए यहाँ कितना कोण है, थीटा, विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाकर रखा है, थीटा। और बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पी वैक्टर है, शेष क्षेत्र में दर्शाई गई है। ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी वैक्टर, कौन वैक्टर, पी वैक्टर, क्लियर है। तो ये फिगर हमारा क्लियर है, चलो अब शुरू करते हैं। तो हमको निकालना बल आघूर्ण, क्या निकालना, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण बहुत आसानी से निकलेगा, हमको करना है क्या है, सिंपल सा, हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको दोनों बल का मान निकालना है, दोनों बल का मान, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो अब प्लस क्यू आवेश पर, किस पर जी, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाली बल, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाली बल, ठीक है। तो अगर देखें प्लस की आवेश पर, तो प्लस की आवेश पर जो बल लग रहा है उसका मान कितना है, F1, तो F1 बराबर, अब बोलिएगा सर बल का मान क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, E बराबर F/Q, याद करो E इक्वल टू F/Q, तो बोलो F बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, एफ बराबर क्यू इंटू ई। यानी बल का मान निकालने के लिए हमको आवेश और विद्युत क्षेत्र को गुना करना होगा, तो बोलो इसका आवेश कितना है, प्लस क्यू, और विद्युत क्षेत्र कितना, ई। तो हम पहले ही बोल दिए थे प्लस हो या माइनस हो वो नहीं लेते, सिर्फ वैल्यू लेते हैं, तो बोलो कितना आवेश है, क्यू इंटू विद्युत क्षेत्र कितना है, ई। तो ये हो गया समीकरण एक। अभी जो निकाले ये क्या निकला है, ये प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल है, तथा चलो माइनस क्यू आवेश पर निकालो, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाली बल, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाली बल। अगर हम माइनस क्यू आवेश पर देखें, माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है कितना लग रहा है, F2 लग रहा है, तो हम लेंगे F2 बराबर, बोलो आवेश कितना, माइनस क्यू, प्लस या माइनस नहीं लेना, सिर्फ वैल्यू लेना है, कितना है, क्यू इंटू विद्युत क्षेत्र कितना, ई। समीकरण दो।
अब जरा गौर से देखो, ध्यान से, F1 का वैल्यू, F2 का वैल्यू देखो, दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। क्या है? सेम। कारण क्या है? जब भी कभी बल आगे लगेगा, याद रखिए दोनों छोर पर समान बल लगना चाहिए। क्यों? अगर एक पर ज़्यादा एक पर कम लग जाएगा तो वो बल आगे नहीं होगा। क्लियर है? तो बल आगे लगने के लिए दोनों का मान क्या होना चाहिए? समान। हो गया। तो हम तो अभी बल निकालना है, लेकिन हमको बल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? बल आघूर्ण चाहिए। तो ध्यान से देखना, अब द्विध्रुव पर, किस पर? द्विध्रुव पर लगने वाली बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाली बल आघूर्ण। क्लियर है? किस पर? द्विध्रुव पर लगने वाली बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण अगर क्लास 11 में पढ़े होंगे तो इसका फॉर्मूला था टाऊ बराबर, याद करो, आर एफ साइन थीटा। क्लियर है? आर मतलब दूरी, एफ यानी बल, और साइन थीटा। क्लियर है? आर एफ साइन थीटा, ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला था, क्लास 11 में ही पढ़े होंगे। तो जरा ध्यान से देखो, आर, आर मतलब दूरी, आर का मतलब क्या? दूरी। तो जरा ध्यान से देखो, दूरी जो है दोनों बल के बीच, एफ वन एफ टू के बीच दूरी कितना है? 2L। कितना है? 2L। यानी आर का मान कितना हो गया? 2L। F यानी फोर्स। तो देखो जरा ध्यान से, F1 F2 इस दोनों को वैल्यू देखना, F1 और F2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं? F के जगह इसका या इसका, दोनों में से किसी का मान रख दो। चलो रख रहे हैं, तो वहां लिखते हैं, ध्यान से देखना, परंतु R, R का मतलब दूरी, दूरी कितना है? 2L। तथा F जो है क्या? F किसके बराबर होगा? F1 के बराबर या F2 के बराबर? F1 के बराबर या F2 के बराबर, किसी का मान रख देना है। इसीलिए बोलो, टाउ बराबर R इंटू F इंटू साइन थीटा है, तो टाउ बराबर R, R मतलब दूरी। ध्यान से देखो, टाउ बराबर R, R का वैल्यू कितना लेंगे? 2L इंटू क्या है बाबू? इंटू क्या है? F यानी फोर्स। तो हम क्या अभी सिखाए? F1 लो, F2 लो, दोनों का मान बराबर है, किसी का भी ले लो। चलो हम F1 ले लिए। क्या ले लिए? F1 इंटू क्या? साइन थीटा। ये आ गया। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 3। क्या मान लेते हैं? समीकरण 3। अब जरा समीकरण 3 में देखो, F1 का मान रखेंगे, किसका मान? F1 का। F1 का मान कहाँ से आएगा? समीकरण 1 से आएगा। क्लियर है? अगर आप F2 रखते तो समीकरण 2 से रखते। क्लियर है? यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ध्यान से देखना, समीकरण 1 का क्या करने पर? मान रखने पर। तो चलो रख देते हैं, तो टाउ बराबर 2L इंटू F1, F यानी इन बल, ठीक है? कितना है? ध्यान से देखिए F1 का वैल्यू, F1 का वैल्यू कितना है? Q इंटू E। तो ले लिए यहाँ पर Q इंटू E इंटू क्या? साइन थीटा ले लिए। तो जरा ध्यान से देखो, टाउ बराबर हम इसको ऐसे लिखें, Q को पहले लिख लेते हैं, इंटू 2L कर देते हैं, Q इंटू 2L कर लिए, Q इंटू 2L क्या बचा? E, और क्या बचा? साइन थीटा, ये बचा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? याद होगा अगर आप लोग को, परंतु Q इंटू 2L को हम कहते हैं P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसीलिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा? इसके जगह Q इंटू 2L की जगह P रख देंगे, तो PE साइन थीटा। तो याद रखिएगा, ये हो गया बल आघूर्ण का मान। क्लियर है? बल आघूर्ण का मान कितना निकला? PE साइन थीटा। लेकिन ये सिर्फ परिमाण निकला, इसका सदिश रूप लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सदिश रूप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो बल आघूर्ण का हम क्या ले रहे हैं? सदिश रूप। कौन रूप? सदिश रूप। तो सदिश रूप समझने से पहले थोड़ा सा अगर याद करते हैं, अगर वेक्टर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे वेक्टर तो याद होगा आपको। आप पढ़े तो याद करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा याद करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वैसे इसका परिमाण था, ठीक है? तो उसी तरह अगर इमेजिन करो, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अगर करें, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर करें, क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा। सोचो, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, पी क्रॉस ई बराबर क्या? पी साइन थीटा। बोला है या नहीं है? है। तो सोचो जरा सर, पी क्रॉस ई इक्वल टू क्या हो गया? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। क्लियर है? इसीलिए क्या जहां पर पीई साइन थीटा है वहां पी क्रॉस ई नहीं लिख सकते? जरा समझना,
पी क्रॉस ई बराबर पी साइन थीटा, तो क्या हम इसको उल्टा लिख सकते हैं? पी ई साइन थीटा अगर कहीं रहे तो उसको लिख सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिखा जा सकता है। तो बोलो पी ई साइन थीटा क्या लिखेंगे? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो जरा गौर से देखो, ये कितना है? पी साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो क्या पी ई साइन थीटा जो है उसके जगह हम ये नहीं लिख सकते हैं? तो चलो सदिश रूप लिख रहे हैं, तो टाउ वेक्टर लगा देंगे बराबर क्या? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये क्या हो गया आपका बाबू? सदिश रूप। कौन रूप? सदिश रूप। आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में, सॉरी किसी समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक विद्युत ध्रुव रखा है जिसका विद्युत आघूर्ण पी वेक्टर है, तो इनके इन पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान होगा। तो ऑप्शन में दिया रहेगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यही टिक कर देना है। क्लियर है? तो ये था आपका बल आघूर्ण, जो कि समझ में आ गया होगा। अब चलो उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल भी जनरली पूछा जाता है। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक विद्युत ध्रुव जो 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। क्लियर है? एक विद्युत ध्रुव जो 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2×10⁻⁶ कूलम परिमाण के दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना है। यानी एक विद्युत ध्रुव है, उसमें दो आवेश है जिसका वैल्यू कितना है? 2×10⁻⁶ कूलम। दोनों का परिमाण सेम है लेकिन प्रकृति विपरीत है, और दूरी कितना दोनों आवेशों के बीच? 3 सेंटीमीटर। उससे बना है और बोल रहा है 2×10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। अधिकतम बल आघूर्ण, ठीक है? तो अधिकतम कब होगा वो चीज़ भी देखना है। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, बोलो क्या दिया गया हम आपको? सबसे पहले दूरी दिया है, दूरी यानी 2L, याद रखना विद्युत द्विध्रुव का जो दूरी होता है 2L मानते हैं हम लोग। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यानी 3×10⁻²⁪ मीटर। क्लियर है? और जो आवेश दिया है, याद रखिए आवेश Q, इसका वैल्यू कितना दिया है? 2×10⁻⁶ कूलम। और विद्युत क्षेत्र का मान दिया है E का मान दिया है 2×10⁵ कूलम, सॉरी न्यूटन प्रति कूलम। और हमसे पूछ रहा है क्या कि बताइए महत्तम बल आघूर्ण क्या होगा, यानी टाउ मैक्स क्या होगा। तो चलो टाउ मैक्स निकालना हमको, क्या निकालना है? टाउ मैक्स यानी महत्तम बल आघूर्ण। तो समझते हैं सबसे पहले महत्तम बल आघूर्ण होता है क्या है। अब जरा पहले हम फॉर्मूला पर अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, टाउ बराबर है पी ई साइन थीटा। टाउ क्या है? पी ई साइन थीटा। तो भाई ये महत्तम कब होगा, ध्यान समझना। टाउ बराबर क्या है? पी साइन थीटा। तो सोच सकते हो ये महत्तम कब लगेगा। तो आप इतना जरूर पढ़े होंगे, जब साइन कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है, जो सबसे बड़ा मान होता है। याद रखिए साइन का सबसे बड़ा मान कितना होता है? 1। और वो कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री। अब इमेजिन करो अगर ये थीटा का वैल्यू 90 ले लेंगे तो सबसे बड़ा मान हो गया ये, और जब सबसे बड़ा मान ये हो गया तो डेफिनेट बल आघूर्ण भी सबसे बड़ा होगा, यानी महत्तम होगा। तो याद रखना, जब महत्तम बल आघूर्ण लेते हैं तो वो तभी होगा जब कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी इनडायरेक्ट वे से इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि महत्तम बल आघूर्ण अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। यानी सिंपल से इनडायरेक्ट वे से बोला है कि 90 डिग्री लेके निकालना है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो अब अभी हम लोग तुरंत पढ़े टाउ बराबर क्या? पी ई साइन थीटा। तो देखो जरा ध्यान से समझना, हमको करना है क्या, हमको अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। तो वो देखो, चू यदि थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री हो तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स हो जाएगा, यानी अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। तो सोचो जैसे ही यहाँ पर 90 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स। तो बोलो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो गया? पी ई साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्लियर है? तो टाउ मैक्स इक्वल टू पी ई और साइन 90 की वैल्यू 1, यानी पी ई सिंपल सा रखना। तो हमको अगर पी और ई पता रहे तो काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन जरा गौर से देखो, ई तो पता है लेकिन पी पता नहीं है। तो बोलिएगा सर पी नहीं पता है लेकिन कुछ तो दिया होगा, तो दिया है, देखो कैसे। परंतु याद करो पी बराबर होता है Q into 12, अभी तुरंत पढ़े थे, इसीलिए टाउ मैक्स बराबर क्या हम लिख सकते हैं? P के जगह Q into 12 into E। क्लियर है? अब बस कुछ नहीं बचा, सिर्फ वैल्यू रख दो। Q का वैल्यू कितना था?
तो हमारा क्यू का वैल्यू दिया गया था कितना, 2×10⁻⁶ कूलम, ठीक है। 2L का वैल्यू दिया 3×10⁻², और विद्युत क्षेत्र दिया 2×10⁵, बस रख दो। बोलो क्यू का वैल्यू 2×10⁻⁶, इसका वैल्यू 3×10⁻², और इसका वैल्यू है 2×10⁵। अगर इंटू करें, सबको मल्टीप्लाई करें, तो देखो कितना होगा, 4 × 3 = 12 × 24, सॉरी क्या हम भी पढ़ रहे हैं, 2 × 3 = 6 × 12 गुने, अब पावर का मल्टीप्लाई करें, 10⁻²⁻⁶, यानी कितना हो जाएगा, −8 × 10⁻⁵, यानी 10⁻⁴, इतना न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। यानी हमारा आंसर निकला, महत्तम बल आघूर्ण जो निकलेगा वो 12×10⁻³ न्यूटन मीटर, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, अब अगला दिन मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और याद रखिएगा, हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार आप लोग का रात 8 बजे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।